तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, एंड की हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट नैनीताल के इस खूबसूरत से क्षेत्र मुक्तेश्वर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत ही हो रही है, चलते चलते कसैली मार्केट पे पहुँच जाता हूँ। मंदिर पे जा रहा हूँ व्रत लेके, और सुबह का कुछ ऐसा मौसम है, शानदार से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया सी धूप आ रखी है। तो बॉस, कसैली मार्केट के पास में पहुंच चुका हूं। तो मंदिर पे पहुंचते हैं, पहले घर से दूध भी लेके आ रहा हूं, दूध भी पहले मंदिर पे चढ़ाते हैं और तिलक पानी लगाते हैं, अपना आउटफिट चेंज करते हैं, धोती पहन के आया हुआ हूं। आज के इस खूबसूरत दिन जो कि भोले बाबा के दरबार पे गुजरने वाला है, पूरा जो यज्ञ चल रहा है, शिव कथा हो रही है, उस पर अपनी जो भी भक्तिभाव है उस पर निकलने वाला है। तो फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं आज के इस ब्लॉग को, फटाफट से पहुँचता हूँ मंदिर पर, फिर आगे आपसे बातें करेंगे। अधिष्ठात्री देव हैं, प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे जो यज्ञ के जो आचार्य हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, सभी भक्त लोग यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बनाने में लगे हुए हैं मिट्टी की। आज ना 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर पूजा है, और जितने भी धोती पहन के आए हुए हैं, पूजा भी हो रही है सुबह के टाइम में, और जो भी लोग भक्त लोग धोती पहन के आए हुए हैं वो भगवान शिव जी की इन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर रहे हैं। सारे भगत लोग देखिए मिट्टी को कूट रहे हैं, मिट्टी से बनाए जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग भगवान के। जम्बू दिवे भरत खंडे आर्यावर्ते हिम्मत परते क्षमीते ब्रह्मदेशे द्वारागर्भे वैवस्वत काम मनमंत्रे। करीब 12 ज्योतिर्लिंग बनाने वाले हैं आज, और 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होने वाली है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जा रहा है, देख रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग बनानी है और भगत लोग लगे हैं अपनी पूरी सेवा भाव में। प्रताप सिंह जी वर्मा हो तो पत्नी कच्चे जगत सिंह जी वर्मा हो, हयात सिंह जी वर्मा हो, अन्य द्वादश राशि नाम में। फिलहाल मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये भंडार गृह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करी जा रही हैं। तो फिलहाल मैं हूँ भंडार गृह पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा करी जा रहे हैं, जैसे कि दूध और आलू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, और भी भगत लोग बैठे हैं अंदर। तो फाइनली दोस्तों, हम सभी के प्रयासों से लगभग लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो चुका है। तो फ्रेंड, इस समय ना करीब 11 बजे का समय हो रहा है, और जो कथा है शिव कथा है वो तो होती है करीब 12 बजे से शुरू। फिलहाल जो अभी तक हम लोगों ने ना, हेलो सर, तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने शिवलिंग बनाई, जो 12 ज्योतिर्लिंग होती हैं उनका निर्माण किया, उसके बाद शिवलिंग की भी पूजा होगी जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाई। और फिलहाल जो सभी भगत लोग हैं इस समय चाय वाय का देख रहे हैं सीन, तो चाय वाय सभी ने पी ली, चाय वाय का प्रोग्राम चला हुआ है, तो चाय का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। अंगीठी वंगीठी जला रखी हैं, तो यहीं पे चाय बनाई जा रही है, पानी गर्म वगैरह किया जा रहा है, और जो भी भगत लोग हैं जो भी यहाँ पे कथा सुनने के लिए आ रहे हैं सबको चाय वितरित की जा रही है। और ये रोड है वना विलेज को जाने वाली, जिसको आज साफ किया जा रहा है, क्योंकि कल भंडारा इसी रोड पे खिलाया जाएगा लोगों को बैठाल के। और ये है कुछ मौसम आज का मुक्तेश्वर वैली का, हल्का सा हिमालय दिखाई दे रहा है सामने कोने पर। तो सभी लोग ना आज जिससे जो हो पा रहा है वो अपनी सेवा भाव यहाँ पर कर रहा है, बहुत तैयारियाँ करनी है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो चुका है, और इन पे अब तिलक चंदन वगैरह लगाया जा रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा है। और साथ ही ना लोग धीरे धीरे आने लगे हैं कथा पे, बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी आज भी। भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छी लग रही है बनने के बाद।
फ्रेंड अक्सर तिलक चंदन इन चीज़ों से ना जो शिवलिंग बनाई हैं जो त्रिलिंग बना रखी हैं उनका श्रृंगार किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग बनाई हुई हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की आज पूजा है जिसकी तैयारी चल रही है अभी। तो फाइनली दोस्तों अब तैयारी है, जो हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग बनाई उनकी पूजा का समय हो गया है। तो तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है कंप्लीट। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना कुछ इस तरीके से सजा दी है यहाँ। हमारे प्रधान यजमान अंदर बैठे हुए आज नर्मदेश्वर महादेव का दुर्गा सिंह जी ब्यास जी का निर्देश है, आप आज अंदर पूजन करेंगे। तो कुछ देर में दोस्तों शुरू होने वाली है भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग दूसरा श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यम महाकालम ओंकारम मंगलेश्वर परलिम वेदनाचम चौडांगन्या भीमशंकरम सेतुवंदे सुरात्मने सम्राट दारुकावने वारुणस्य तुवे वैश्वं त्र्यम्बकं गोमतीटे हिमालये तु केदारं दुष्मे तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पादप्रदेनर सप्तजन्म कृत पापे स्मृणे विनिश्चितिः। जो पहले स्थान पर बैठे हुए हैं वो सोमनाथ भगवान का ध्यान करते हुए अभिषेक करें। इधर से पहले सोमनाथ, दूसरे हैं मल्लिकार्जुन, तीसरे नंबर पे जो बैठे हुए हैं महाकाल का पूजन करें, चौथे नंबर में अमलेश्वर, पांचवे नंबर में वैद्यनाथ, छठे नंबर पर श्री भीम शंकर, सातवें नंबर पर है श्री रामेश्वर, आठवें नंबर पर श्री नागेश्वर, नौवें नंबर पर तारा जी बैठे हैं विश्वनाथ में, और त्र्यंबकेश्वर में दसवां नंबर है त्र्यंबकेश्वर का, ग्यारहवां नंबर है श्री केदार, श्री केदारनाथ में आप बैठे हुए हैं तो केदारनाथ जी का ध्यान करें, बारहवें नंबर में दुष्मेश्वर शिवालय है तो उसका ध्यान करते हुए जो 12 ज्योतिर्लिंग है अपने अपने भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अभिषेक भी करते रहे। ओम हव्युवानाय नमः हृदये स्कंदाय नमः नाभो मुखे नमः कंठे रुद्राय नमः दक्षिण बाहु मूले फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब 1 बजे का और फाइनली अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अभी जो ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती थी ना 12 उन्हीं की पूजा हो रही है। तो सीन हमारा ये है, अभी तक वहाँ थे हम लोग और फिर यहाँ पे एक विकट काम करने के लिए आए हैं, आपको दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। तो अपना सीन हो रहा है, सब्जी मंडी खोल दी हमने यहाँ पूरी और इसके बनिए हैं हमारे दीवान भैया। तो ये सीन ही हो रहा है ना जो घरों से लेके आ रहे हैं भक्त श्रद्धालु जो भी है अपने घरों से साग सब्जी लेके आ रहे हैं उसको हम कर रहे हैं स्टोर। आलू वगैरह बहुत चीज़ें आ रखी हैं यहाँ पे, इतनी मूली स्टॉक कर होगी, पत्ता गोभी होगी, साथ में कद्दू भी आ रखा है। सबसे ज्यादा तो आलू स्टोर हुआ है, अभी तो अपना काम चल रहा है, ये हो जाएगा इतने से। अभी तो बहुत आएगा यार, आज लाएंगे जो जो आएंगे। जो ये सारी सब्जी यहाँ रखी है ना, कल है यहाँ पर भंडारा, जो पूजा हो रही थी 11 दिन का यज्ञ हो रहा था तो उसका कल है भंडारा, तो उसी के लिए सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। सब भक्त लोग जो भी अपने घरों से चीजें ला रहे हैं साग सब्जी, तो अपने टीम मेंबर में फिलहाल हैं मेन हमारे बनिए जिन्होंने सब्जी मंडी खोल रखी है, दीवान भैया और पीछे हरीश भाई और नयन भाई, तो बहुत सारे लोग हैं हम। तो चलिए जी करते हैं इसको क्लोज, इतना माल अभी आया था हमने यहाँ स्टोर कर दिया, अभी आएगा। तो चलो एक काम ये भी हो गया, बाकी भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की अर्चना हो रही है, जितना अपना अपने से हो पाए जितना सेवा कर पाए वही चल रहा है बहुत सुबह से। और कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं जो कल यहाँ पर भंडारा बनेगा ना, जो चूल्हे लगेंगे उसके लिए जगह बनाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग आ रखे हैं आज अपनी अपनी तरफ से, जिससे जो हो पा रहा है वो इस काम में लगा हुआ है, साथ ही चाय बन रही है यहाँ। तो ये चेक करो दोस्तों, कल भंडारे के लिए ना यहाँ पे साग सब्जी काटी जा रही है जो आगे हमने स्टोर की थी,
देख रहे हो लोग किस प्रकार से लगे हुए हैं। आलू काटा जा रहा है, कद्दू काटा जाएगा, गोभी काटी जाएगी, मूली काटी जाएगी, बहुत विशाल भंडारा होने वाला है। करीब 4-5 हज़ार लोगों का अनुमान है। तो आज ही से तैयारी में सारे लोग लगे हुए हैं। और दोस्तों यह है रोड का माहौल। शिव कथा शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर आने लगे हैं। मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, बढ़िया सी धूप आ रखी है, माहौल काफ़ी प्यारा बना हुआ है। आज भंडारे के अगले दिन, आज लास्ट कथा है, लास्ट दिन है कथा का, कल होगा विशाल भंडारा। तो लोग धीरे धीरे ना कथा सुनने के लिए पहुँच रहे हैं हमारे इस नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर। तो हेलो जी दोस्तों, शाम का वक्त है और शाम की आरती हो रही है। जो दिन भर शिव कथा हुई, आज लास्ट दिन था शिव कथा का, उसके बाद कथा समापन की ओर है। सायंकालीन आरती चल रही है इस समय। माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है आज मंदिर पे। और ये सीन चेक करो दोस्तों, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हुई ना, अब सायंकालीन समय हो चुका है, तो जहाँ पर जल है तो वहाँ पर इनको विस्थापित किया जाएगा। तो सभी भगत लोग जो वहाँ पूजा में बैठे थे, तो एक एक शिवलिंग अपने सर पे उठा के जा रहे हैं जहाँ जल है। काफ़ी रमणीय माहौल बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सा दृश्य है ये। साक्षात भोलेनाथ आज इस मंदिर पर आए थे, शिवलिंग हमने सुबह से बनाई, जिनकी पूजा अर्चना आज भी। काफ़ी अच्छा माहौल आज पूरे दिन बना रहा। और यहाँ पर है हमारा भंडारघर, जहाँ पर हमारे जो भगत जी हैं राजन जी, वो लगे हैं चटनी बनाने में। और भीड़ धीरे धीरे आ रही है मंदिर से नीचे की ओर। दोस्तों अभी मैं अपने भंडारगृह में हूँ। यहाँ पर देखिए कितना भंडार इकट्ठा हुआ है, तेल हो गया, गुड़ की पेटियाँ होगी और राशन हो गया। और एक चीज़ ना, प्रधान दीपक यहाँ पर जले रहता है 24 घंटे, जहाँ पर हम अपना अन्न रखते हैं, राशन रखते हैं, तो 24 घंटे प्रधान दीपक यहाँ पर जले रहता है। तो एक और यहाँ पर बन रही है चटनी इस बड़े से डेक में, पतीले में। क्या भाप उठ रही है देख रहे हो। कल भंडारे की पूरी जोर शोरों से तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये कुछ माहौल है शाम का, कथा समापन के बाद रोड पे बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है आज भी। तो सबको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि रोड का मामला है, गाड़ियां आ रही हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो सारे भगत लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मौसम थोड़ा कोहरा आ चुका है। मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल मंदिर पर और मंदिर का सीन दिखाता हूँ आपको शाम के समय पर। कल भंडारा है विशाल भंडारा, भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो ना पूरा दिन आज काफ़ी अच्छा रहा, भगवान की भक्ति में मन को काफ़ी सुकून मिला। और शाम का सीन है ये कुछ हमारे श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर कस्या लेक पे। तो दोस्तों अभी हो चला है भजन कीर्तन का समय, सायंकालीन समय है, तो थोड़ी देर भगवान के मंदिर पर भजन कीर्तन भी होगा कथा के बाद। तो बहुत बुजुर्ग लोग आ रखे हैं, दूर दूर से आ रखे हैं लोग भजन कीर्तन के लिए। Thank you.